नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार में हमेशा से ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते आए हैं। बता दें, बिहार में आज से नियोजित शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन सेंटर पर ही आक्रोश फूट गया। दरअसल बीपीएससी की परीक्षा में सेंटरों पर अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण अभ्यर्थी सेंटर छोड़कर नहीं जा रहे, क्योंकि एडमिट कार्ड में साफ लिखा है कि बिना बायोमेट्रिक उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। आपको बता दें, कई सेंटरों से गड़बड़ी सामने आ रही है, जिससे अभ्यर्थी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। पहले देखिए आप इस वीडियो को। बायोमेट्रिक होना है तो आधे बच्चे का हुआ भी नहीं, और आधा का कुछ बच्चे का हुआ नहीं, का क्या क्लास का क्या दिक्कत। हम लोग बायोमेट्रिक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लेना नहीं चाह रहे हैं। लोगों को डर सता रहा है कि एक साइड बायोमेट्रिक हुआ, एक साइड बायोमेट्रिक हुआ, इससे रिजल्ट पे असर पड़ेगा, स्टूडेंट को फेल कर दिया जाएगा या रिजल्ट नहीं पड़ता जाएगा। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या बायोमेट्रिक होना चाहिए? होना चाहिए। अब तो परीक्षा आप लोग का फर्स्ट एग्जाम हो गया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? बायोमेट्रिक हम लोगों को नीचे उतरते समय पता चला, मेरे पार्टनर बोला कि भाई हम लोगों का बायोमेट्रिक तुम लोगों का हुआ, हम लोगों का नहीं हुआ, बस इतना है, तो इसलिए हम लोग टेंशन में आ गए। क्या क्या कहाँ से ये कमी था जो बायोमेट्रिक नहीं हुआ? हम लोग कैसे बता पाए? तो आपने देखा कि बिहार में परीक्षा में गड़बड़ी का सिलसिला जो है लगातार नजर आता है, जिससे जो है अभ्यर्थी काफी नाराज नजर आ रहे हैं और उनकी बायोमेट्रिक नहीं होने की वजह से काफी परेशान भी है। आपके इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।